अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हो और कुछ दिन में आप क्लास 12th में जाएंगे, आप क्लास 12th का न्यू बैच चाहते हैं, तो हमने क्लास 12th का न्यू बैच शुरू कर दिया है। जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में पढ़ रहे हैं वो हमारे द्वारा बनाए गए सभी पाठ को देख ले, उनका संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। अब जो है कि आपको इस चैनल पर क्लास 12th मैथ्स की सभी चैप्टर का जो है थ्योरी और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपना जो है क्लास 12th मैथमेटिक्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फलन, फलन क्या है। उसके बाद अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो आप फलन को पूरी तरह से समझ जाएंगे। यहाँ पर हम काफी इजी तरीके से समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फंक्शन डेट मीन्स क्या हो गया ये फलन, इनका हिंदी क्या होता है फलन। देखो जैसे आप लोगों को हम रिलेशन पढ़ाए हैं ना, पढ़ाए हैं रिलेशन। yes, तो रिलेशन रिलेशन हम किसे कहते हैं, आर सबसेट एक्रॉस बी को। आर सबसेट एक्रॉस बी, तो आर को हम एसीबी में क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं ना। तो ये फलन भी जो है एक प्रकार का संबंध है। फलन क्या है, एक प्रकार का संबंध है ना। तो हम क्या करते हैं कि रिलेशन को एक विशेष कंडीशन के तहत बांध देते हैं, समझ गया ना। तो वही क्या कहलाता है, फलन। यानी रिलेशन क्या कहलाता है, फलन। और इसमें कुछ कंडीशन होते हैं। तो देखो फलन का परिभाषा इस प्रकार से होगा कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, f a से b में एक फलन फलन है यदि इच एलिमेंट ऑफ a हैज यूनिक इमेज इन a इन b, समझ गया ना। तो a के प्रत्येक एलिमेंट का, a के प्रत्येक एलिमेंट का b में अद्वितीय प्रतिबिंब हो, b में अद्वितीय प्रतिबिंब हो, यानी f a से b में क्या फलन कहलाता है, f a से b में फलन कहलाता है, फलन कहलाएगा यदि a के प्रत्येक एलिमेंट का b में क्या हो, अद्वितीय प्रतिबिंब हो। और यहाँ पर a और जो b है ये नॉन एम्प्टी सेट होगा, कौन सेट होगा, जैसे यहाँ पर हम लिए है ना जी a टू b, तो a और b क्या है, सेट है, a और b क्या है, सेट है, समुच। और ये कौन समुच है, नॉन एम्प्टी, ये कौन समुच है, नॉन एम्प्टी सेट है। अब देखिए हम क्या लिखा है कि ए के प्रत्येक, ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में क्या हो, अद्वितीय प्रतिबिंब। यानी ए में जितने भी एलिमेंट रहेगा उसका जो है एक एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब रहेगा बी में, समझ गया ना। एक एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब, यानी एक एक एलिमेंट का दो प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, एक जो है एक एलिमेंट का दो प्रतिबिंब नहीं बन सकता। अद्वितीय मतलब क्या, देखो ये होता है ना अद्वितीय नहीं होता है, अद्वितीय है। तो देखो ओ मतलब क्या होता है, नहीं ओ मतलब होता है नहीं, अद्वितीय मतलब क्या हो गया, दूसरा द्वितीय मतलब दो, दूसरा या दूसरा या दो, तो नहीं दूसरा मतलब क्या, दूसरा प्रतिबिंब नहीं होगा, यानी अकेला। अद्वितीय मतलब क्या हो गया, अकेला, समझ गया ना। अद्वितीय मतलब अकेला, समझ गया ना, यानी एक का जो है एक ही प्रतिबिंब रहेगा, एक का क्या होगा, एक ही। तो उसी को हम क्या कहेंगे, अद्वितीय प्रतिबिंब, यूनिक इमेज, क्या कहेंगे, अद्वितीय प्रतिबिंब, यूनिक इमेज। तो परिभाषा है कि एफ क्या हो, ए से बी में एक फलन हो, एफ ए से बी में क्या हो, फलन हो, या फलन होगा यदि ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज हो, अद्वितीय प्रतिबिंब हो, समझ गया ना। यानी ए का, ए के प्रत्येक, ए में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका इमेज बी में नहीं हो, ये कहने का अर्थ हो गया। अब इस पर हम आधारित 4 से 5 एग्जांपल लेंगे, तुम लोग समझ जाएगा कि फंक्शन क्या है। ये आपका क्या हो गया एग्जांपल, देखिए एग्जांपल में जैसे सेट ए है, नॉन एम्प्टी सेट हो गया ना, ये क्या हो गया सेट बी, मान लेते हैं सर जी नॉन एम्प्टी सेट है, मान लेते हैं, हाँ ए और बी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट, समझ गया ना। देखिए एफ करण ए से बी में क्या हो, फलन हो, ये सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया बी, एफ जो है ए से बी में फलन है। अब देखो सेट ए का एलिमेंट क्या हो गया, एक्स वाई जेड, सेट ए का एलिमेंट एक्स वाई जेड, सेट बी का एलिमेंट ए बी सी। तो देखो एक्स किससे संबंधित है, ए से, है ना, यस। एक्स का जो है
ये क्या हो गया इमेज हो गया एक्स का क्या हो गया इमेज और वाई क्या हो गया इमेज वाई का इमेज क्या हो गया बी और जेड का इमेज क्या हो गया सी अब देखो एक्स का पहुंच कहां तक है ए तक एक्स का रेंज भी ए का आएगा ये एक्स का क्या कहेंगे और y देखिए y का पहुंच कहां तक है बी तक देखो y का इमेज भी b हुआ और y का रेंज भी हुआ समझ गया ना रेंज भी क्या हो गया b होगा नहीं बोलता है एकदम तुम्हारा देखते हैं कि तुम्हारा रेंज कहां तक है यस तो और पहुंच कहां तक है मान के मैं कोई मधेपुर तक आया तो उसका पहुंच कहां तक होगा मधेपुर तक ना जी उसका बीजे तक पहुंच पहुंचने होता है किसी का मंत्री किसी को एकदम विधायक ऐसे होता है ना जी मंत्री विधायक के पास भी पहुंच होता है ना तो सबका पहुंच सब उसी प्रकार से जेड का पहुंच कहां तक है सी तक समझ गया ना जिनको हम परिसर बोलते हैं तो जेड का इमेज क्या हो गया सी और जेड का रेंज भी क्या हो गया सी अब देखो ये लिखना चाहो इसको हम क्या बोलते हैं इमेज क्या बोलते हैं इमेज प्रतिबिंब हिंदी क्या होता है प्रतिबिंब या और ये रेंज भी कहलाएगा ये क्या कहलाएगा परिसर जिनका हिंदी क्या होता है परिसर अब देखो ये जो सेट बी है इसको हम कोडोमेन बोलते हैं क्या बोलते हैं सहप्रांत कोडोमेन सहप्रांत हिंदी क्या होता है सहप्रांत उसके बाद देखो ये इसको हम क्या बोलते हैं डोमेन प्रांत सेट ये क्या कहलाता है डोमेन यदि एफ ए से बी में फलन हो तो सेट ए को हम क्या कहेंगे डोमेन और सेट बी को हम क्या कहेंगे कोडोमेन समझ गया ना इनको हम क्या बोलते हैं प्रांत डोमेन अब देखो ये जो हो गया एक्स वाई जेड इसको हम क्या बोलते हैं प्री इमेज क्या बोलते हैं प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब क्या बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब देखो हम कहेंगे एक्स का पूर्व प्रतिबिंब क्या है पूर्व प्रतिबिंब तो ए हो जाएगा देखो ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया एक्स ए का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया एक्स बी का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया सी का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया जेड समझ गया ना ये एक्स वाई जेड क्या कहलाएंगे पूर्व प्रतिबिंब समझ गया ना ए बी सी क्या कहलाएंगे प्रतिबिंब ए बी सी क्या कहलाएंगे प्रतिबिंब या रेंज समझ गया ना तो ए प्रतिबिंब एक्स पूर्व प्रतिबिंब समझ गया यस अब चलो इसके आधार पर हम ये तो एक एग्जांपल को देख लिया अच्छा देखो तो ए के प्रत्येक एलिमेंट का ए में एलिमेंट क्या हो गया एक्स वाई जेड तो देखो तीन एलिमेंट है ना जी प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब बी में है कि नहीं इसी को हम क्या कहते हैं फलन फलन कहते हैं अद्वितीय अद्वितीय मतलब क्या ए का अकेला देखो x का अकेला प्रतिबिंब क्या है ए है ना और y का अद्वितीय प्रतिबिंब क्या है अगर मान के चलो कि y जो है c से रिलेटेड हो जाए तो क्या अद्वितीय होगा तो दो लोगों हो जाएगा जी जी सर परिभाषा का विरोध कर दिया कि नहीं कर दिया प्रत्येक यानी एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जेड का देखो जी y का c में रहता है जेड का बी में रहता है ऐसा भी होगा क्या जी ऐसा होगा कभी कि उठी है वाई जो है सी से रिलेटेड होगा जेड बी से कौन वाई सी से ये वही वाई हाँ ये कोना कोनी क्यों होगा यस समझ गया ना एक्स मान के चलो सी से हो जाएगा इससे नहीं मतलब मतलब एक एक एलिमेंट खाली ना रहना चाहिए सबका सबका देखो एक प्रत्येक एलिमेंट का जो है ना इमेज होना चाहिए समझ गया ना यहाँ पर पांच गो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा जिससे हम खड़ा है तुम भी खड़ा हो गया ये बल्ब जल रहा है दिख रहा है ना तो क्या एक को प्रतिबिंब बनेगा पांच व्यक्ति का न पांच को छाया नहीं बन जाएगा जी जी प्राप्त होगा ना जी सर तो वही चीज ना है कि मान के चलो ए में जितना भी रहेगा सबका समझ गया ना सबका प्रतिबिंब बन जाएगा तो ए में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए बी में बच जाए तो कोई मतलब नहीं है इसको उतार लिया है उतार तो उतार दूसरा एग्जाम्पल समझ गया ना जी सर तो अब हम क्या करते हैं कि दो सेट ले लेते हैं जी सर पुनः एफ जो है ए से बी में क्या है फलन एफ मतलब एफ फोर फंक्शन एफ फोर फंक्शन फंक्शन में मतलब क्या हो गया फलन फलन तो देखो इसमें हम लेते हैं एक दो तीन और इसमें लेते हैं दो तीन चार पाँच एक दो से संबंधित है एक का इमेज दो है यानी एक का रेंज दो है दो का रेंज तीन है तीन का रेंज तीन का रेंज क्या है चार है या तीन का इमेज बोलो रेंज और इमेज एक ही चीज होता है वो रेंज होता है वही क्या होता है इमेज भी होता है
अब देखो बी में एगो एलिमेंट बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बच रहा है ना जी, तो इसको लिखो फलन होगा, फलन होगा, इसमें क्या लिखो फलन होगा, लिखो कैसे होगा, क्योंकि इसका एक प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब है ना, परिभाषा को एकदम टेली कर दिया ना, नहीं कर दिया सेटिस्फाई जी, जी सर, एक ही देखो परिभाषा क्या है, ए के प्रत्येक एलिमेंट का, तो ए में प्रत्येक एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ए में तीन एलिमेंट ने जी, एक दो तीन, तीन गो एलिमेंट है, तो सब एलिमेंट का एक गो इमेज भी में है कि नहीं है, अद्वितीय मतलब क्या, एक एक इमेज, एक एक इमेज, एक अद्वितीय मतलब क्या, एक अकेला दूसरा नहीं हो गया ना जी सर, देखो बी में मिला कि नहीं मिला जी, तो यहाँ पर लिखना है कि फलन होगा, फलन होगा, फलन होगा, आप क्योंकि में क्या लिखेगा कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब है, बी में एलिमेंट बच भी जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, देखो बी में एलिमेंट बच गया कि नहीं बच गया है, फिगर उतारने के बाद लिख लेगा कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का अद्वितीय प्रतिबिंब बी में है, और बी में एलिमेंट बच भी जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, इतना चीज लिख लो ये फिगर उतार के, जैसे सेट ए है, ये सेट ए हो गया और यहाँ पर एक सेट बी है, हो गया ना, ऐसे आप जो है ए से बी में क्या लेते हैं, एक फलन लेते हैं, वो एक इसमें एक दो तीन एलिमेंट है, इसमें दो और तीन एलिमेंट है, एक दू से संबंधित है, दू किस से संबंधित है, तीन से, तो बोलो ये फलन होगा, ये फलन होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट ना, ए का प्रत्येक एलिमेंट तीन बिन आ रहा है, प्रत्येक में क्या आ रहा है, तीन बिन आ रहा है, क्या तीन का इमेज है बी में, नहीं है, ये आपको फलन नहीं होगा, लिखो कि फलन नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट तीन का बी में कोई इमेज नहीं है, एलिमेंट ये जो थ्री है इसका कोई इमेज बी में है नहीं है, यानी बी में बच जाए एलिमेंट उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ए में एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, और लिखना चाहो तो एक चीज ये लिख लो कि बी में एलिमेंट बच जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बी में एलिमेंट बच जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ए में एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, समझ गया ना, आप देखो इसका चौथा फैक्ट जो है, जैसे दो सेट पुनः हम ले लेते हैं, एफ ए से बी में क्या है फलन है, अब देखो वन लेते हैं, माइनस वन लेते हैं, टू लेते हैं, वन ये यहाँ पर फोर हो गया, वन किससे रिलेटेड है, वन से, माइनस वन भी किससे रिलेटेड है, वन से, ये देखिए टू किससे रिलेटेड हो गया, फोर से, तो बोलो ये फलन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, जी सर होगा, यस सर फलन होगा, फलन है, एफ इज ए फंक्शन, एफ एक फलन है, दो एलिमेंट एक प्रतिबिंब बना सकता है, हाँ यानी दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब हो सकता है, समझ गया ना, इसमें लिखना है कि फलन होगा, फलन होगा, क्योंकि ए के दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब में हो सकता है, ए के देखो ए का दो एलिमेंट हो गया, एलिमेंट का बन सकता है, ए के दो एलिमेंट का, ए के दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब बी में हो सकता है, एक ही दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब बी में हो सकता है, अब देखो कैसे होता है, एफ एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया ना, तो माइनस वन लेते हैं, हम क्या लेते हैं, माइनस वन, तो एक आया, तो माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो गया, वन हो गया, एफ वन लेते हैं, वन का स्क्वायर क्या हो गया, तो देखो ये जो है माइनस वन और वन, ये यहाँ पर लेते माइनस वन वन, इसका एलिमेंट, ये इसका इमेज क्या बन रहा है, वन बन रहा है, बन रहा है ना, ये संभव है ना, ए के दो एलिमेंट का एक वो इमेज बी में बन सकता है, समझ गया ना, इसलिए ये क्या होगा, फलन होगा, ये चीज उतार के फिगर उतारेगा, लिखेगा फलन होगा, क्योंकि ए के दो एलिमेंट का
बी में एक प्रतिबिंब हो सकता है। तो पांचवा फैक्ट जो है इसका, जैसे दो सेट को हम लेते हैं, ए और बी दो सेट ले लिए, एफ जो है ए से बी में क्या है फलन, देखो कैसे पड़ेगा, एफ ए से बी में फलन, एफ ए से बी में फलन। आप देखो इसको हम लिखते हैं कैसे, जैसे एफ ए से बी में फलन हो, एफ ए से बी में फलन हो तो कैसे लिखते हैं, एफ सच डेट ए टू बी, एफ सच डेट ए टू बी, समझ गया ना, एफ हो गया, ये क्या हो गया सच डेट ए टू बी, एफ ए से बी में फलन है। देखो एफ सच डेट एफ फॉर फंक्शन, एफ फॉर फंक्शन, फंक्शन मीन्स फलन, एफ ए से बी में क्या होगा फलन। इसको हम मैथमेटिकल रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, भाषाई के रूप में जो लिखोगे कि एफ ए से बी में फलन है, इस प्रकार से लिख दो तो इसका अर्थ यही हुआ कि एफ ए से बी में क्या है फलन है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे दो ले लिए, इसमें इसका जरूरी नहीं कि हम एक दो तीन ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं संख्या, हम तो आप लोगों को समझाने के लिए ले रहे हैं जी। जैसे मान के दो और हम इसमें तीन ही ले लेते हैं, तो देखिए ये आपको हो गया एक दो और तीन, देखो दो एक से रिलेटेड, यानी दो का इमेज एक और दो का इमेज दो, ऐसे करके हम ले लिए एग्जाम्पल। तो बोलो ये फलन होगा, ये फलन होगा नहीं होगा, दम से आवाज नहीं आ रहा है, नहीं होगा फलन नहीं होगा, एफ इज नॉट ए फंक्शन, एफ एक फलन नहीं है। अब देखो क्यों नहीं फलन होगा, क्योंकि ए का पद डेफिनेशन क्या है, ए के प्रत्येक एलिमेंट का, ए के प्रत्येक एलिमेंट का अद्वितीय है, अद्वितीय यानी ए में जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसका एक ही, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही इमेज, तो इसलिए अद्वितीय लगाया है जी। लेकिन ये जो है दो विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जी विरोध, क्योंकि ये में जो एक एलिमेंट दो है उसका दो प्रतिबिंब किसमें बन रहा है, बी में, तो अद्वितीय हुआ नहीं हुआ, उसका सदी श्रेणी था इसीलिए, समझ गया ना। लेकिन दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का दो प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। अब देखो क्यों नहीं होता है, जैसे मान के चलो कि पहले भी तुम लोग बना चुके हो, एफ एक्स करके मान दिया रहता था, वन टू करके मान निकालने के लिए, तो क्या वन एगो मान लेकर के दो मान प्राप्त आपको हो सकता है, नहीं होगा। जैसे मान के चलो कि एक्स है तो यहाँ पर हम दो लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, दो होगा ना जी, जी सर। पुनः हम दो ले लिए तो आपको क्या प्राप्त होगा, फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है तो क्या प्राप्त होगा, दो नहीं होगा जी, जी सर। क्या ये जो देखो दो से एक आ सकता है मान, अगर इसी फलन को हम एग्जाम्पल मान लिए हैं इस प्रकार से, बोलो अगर हम दो लेते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, दो क्या दो से कभी एक प्राप्त हो सकता है, सर जी एक की जगह अगर दो रहता तब यह फलन होता, क्या एक की जगह बी में जो एक अगर मान के चलो यहाँ पर हम एक ही रख दे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक रहेगा, यहाँ पर भी एक रख देगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा, है कि एक से तो आपको दो प्राप्त हो जाएगा, नहीं प्राप्त होगा जी, यानी यहाँ पर वही चीज ना है कि अगर तुम दो ले लिया तो अगर फलन इस प्रकार से डिफाइंड है तो आपको दो ही प्राप्त होगा, चाहे दो आप पांच बार लो कि दस बार लो, दो ही प्राप्त होगा, अलग अलग संख्या प्राप्त होगा, दो से कभी एक प्राप्त होगा, जरा इस फलन पर विचार करो तो एफ दो बराबर हम कभी लिख सकते हैं एक, नहीं लिख सकते हैं जी, तो वही चीज ना है, लेकिन एफ दो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं ओनली, लेकिन एक लिख नहीं सकते हैं, यानी दो से जो है एक प्राप्त आपको नहीं होगा, तो वही चीज ना है जी, इसलिए ना कह दिया गया है एक प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज किसमें हो, बी में हो, यानी अकेला इमेज बी में हो, एक प्रत्येक एलिमेंट का बी में अकेला इमेज किसमें हो, बी में। खैर उसमें एकदम अति में नहीं जाना है, सिंपल रूप से समझो परिभाषा क्या कहता है, एक प्रत्येक एलिमेंट का अकेला इमेज क्या हो, बी में हो, तो देखो एक का प्रत्येक एलिमेंट में दो आया, दो का अकेला इमेज है, दो को इमेज बन गया, इसलिए फलन नहीं होगा, दो एलिमेंट का एक इमेज
हो सकता है लिखा दिए ना, लेकिन एक एलिमेंट का दो फिगर उतार लो लिख लो ये फलन नहीं होगा क्योंकि ए के एलिमेंट दो का दो इमेज बी में है, समझ गया ना। ये जो है कि एफ सच डेट ए टू बी, एफ सच डेट ए टू बी, एफ फोर क्या हो गया फंक्शन, एफ फोर क्या हो गया फंक्शन, समझ गया ना, फंक्शन मतलब फलन, एफ ए से बी में एक फलन, समझ गया ना, एफ ए से बी में एक फलन। देखो इनको ये जो है ना एफ सच डेट ए टू बी, इसका क्या मतलब हो गया कि एफ ए से बी में क्या है एक फलन है। देखो तो पहला जो है कि पॉसिबिलिटीज बनता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, ऑफ ए होगा सर, हाँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, तो इनका हिंदी हो गया, समझ गया ना, ए के भिन्न भिन्न, समझ गया ना, ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में क्या हो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, आप ए से बी में क्या है भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है फलन है, आप ए से बी में क्या है फलन है, तो ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का बी में क्या होगा भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, समझ गया ना, ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होगा। तो लिखो एक देखे इनका हिंदी, बोलिए सर, ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का एक नंबर का हिंदी में ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का लिखना, लिखने चलो ना रोमन के एक दे दो लिखने चलो, भूल जा भिन्न भिन्न, ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, समझ गया ना, यदि एफ ए से बी में फलन है तो ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का बी में क्या हो भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। लिख लिए हैं यस सर, दूसरा नंबर आप देखिए, दूसरा नंबर का मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए मे हैव सेम इमेज इन बी, इसका हिंदी क्या हो गया, इसका जो हिंदी हुआ कि देखो मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए, एक के एक से अधिक, एक के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब, अवयवों का प्रतिबिंब प्रतिबिंब बी में एक हो सकता है, समझ गया ना, या सेम हो सकता है। लिखिए हिंदी, बोलिए सर, एक के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब, एक के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब, एक के दूसरा पॉइंट, समझ गया ना, एक के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब, एक के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब, अवयवों का प्रतिबिंब बी में, एक हो सकता है, अभी लेट करके आया है जो लिखा रहे हैं, लिखते जाओ, ये भी छूटेगा वो भी छूटेगा क्योंकि ये हम जैसे खत्म करेंगे तो इसको हम मिटाने ही वाले हैं, तो वैसे भी छूटने वाला है, जो लिखा रहे हैं उनको लिखते चलो, एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब देखो बी में एक हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ बी यानी बी का प्रत्येक अवयव, देखो इसका हिंदी क्या हो गया, ईच एलिमेंट ऑफ बी यानी बी का प्रत्येक अवयव इज द सेम, इज द सेम इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, समझ गया ना, यस सर, तो बी का जो है प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का क्या होगा सेम होगा, इमेज होगा, इमेज होगा, सेम सम है, सम मतलब क्या होता है कुछ, सम मतलब क्या होता है बराबर, लिखो पॉइंट, पॉइंट लिखो, बी का प्रत्येक अवयव एक के किसी न किसी एलिमेंट का, एक के किसी न किसी एलिमेंट का एलिमेंट का इमेज हो सकता है,
लिख लिया है सर। अब देखो इसका चौथा पॉइंट, इसका चौथा पॉइंट क्या है कि देयर में बी सम एलिमेंट इन बी, मतलब बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं, बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं विच आर नॉट इमेजेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए, समझ गया ना, वो ए के प्रतिबिंब नहीं भी हो सकते हैं, समझ गया ना। लिखिए इसका हिंदी, बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं, बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं जो जो सिंपल भाषा में लिखा दे जो ए का इमेज नहीं होगा, बी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो सकते हैं जो ए का इमेज नहीं होगा, तो इसका मतलब हो गया कि बी में एलिमेंट जो है बच सकता है, समझ गया ना, लेकिन ए में एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, ए के सभी एलिमेंट का प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन बी में जो एलिमेंट होगा, बी में जो एलिमेंट होगा वो आपको वो जो है आपको उसमें कुछ एलिमेंट बच भी जाए, इमेज हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो यही पॉइंट ये लिखा है, सबको कल फिगर वाइज समझाए थे ना, आज भाषाई के रूप में लिखा दिए, कल भी भाषा लिखाए थे, आज भी लिखा चुके हैं। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, अभी 11th में पढ़ रहे हैं, क्लास 12th का न्यू बैच चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ करके क्लास 12th का न्यू बैच में पढ़ाई कर सकते हैं, आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी पाठ को देख ले, आपको जो है क्लास 12th मैथ की संपूर्ण पढ़ाई हो जाएगी। हम दो सेट लेते हैं, एक और दो, ए देखो दो सेट हम ले लिए, ए और बी, ए और बी, इसमें एक्स वाई जेड एलिमेंट है, इसमें क्या है ए बी सी एलिमेंट है, देखो यहाँ पर एफ लेते हैं ना, इसका अर्थ हो गया कि एफ जो है ए से बी में क्या है, फलन है, एफ ए से बी में फलन है, समझ गया ना, फलन किसे कहते हैं, फलन प्रतिबिंब, समझ गया ना, ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में उनका प्रतिबिंब होती है, अद्वितीय फलन होती है, हम क्या कहते हैं, अद्वितीय प्रत्येक एलिमेंट का अद्वितीय प्रतिबिंब। अब देखिए ये आपका क्या हो जाता है, डोमेन, डोमेन, ये आपका क्या हो जाता है, डोमेन, डोमेन ई हो जाता है, डोमेन, इनका हिंदी क्या होता है, प्रांत, प्रांत, इनका लिखो तो डेफिनेशन, कल फिगर बनाएंगे ना, प्रांत, आप देखो हम लिख देते हैं, आप लोग समझ लो उसके बाद छाप लेना, जी सर हिंदी में सर जी लिखा देते हैं, देखो डोमेन किसे कहते हैं, डोमेन का हिंदी क्या होता है, प्रांत, डोमेन मतलब क्या हो गया, प्रांत, तो देख रहे हैं ना डोमेन ये क्या है, सेट ये ना है जी, सेट ये कौन क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, देखो ये क्या हो गया कि यदि एफ ए से बी में क्या हो, फलन हो, यदि एफ ए से बी में क्या हो, फलन हो, सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, यदि एफ ए से बी में एक फलन हो तो सेट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, कहते हैं ना, प्रांत कहते हैं, देखो को डोमेन हम लिख देते हैं, को डोमेन, को डोमेन इनका हिंदी क्या होता है, सप्रांत, 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 यदि देखो डोमेन जी सर बोलिए तो हिंदी इसका होता है सप्रांत, हिंदी इसका क्या होता है, सप्रांत, सप्रांत,
जिनको हम क्या बोलते हैं कोडोमेन, क्या बोलते हैं कोडोमेन। सबनॉन का इंग्लिश क्या होता है कोडोमेन, कोडोमेन का हिंदी क्या होता है सबनॉन। देखो ए को अगर हम प्रांत कहते हैं तो बी को हम क्या कहते हैं सप्रांत, समझ गया ना। यदि ए को हम कोमेन डोमेन कहते हैं, डोमेन कहते हैं तो बी को हम क्या कहते हैं कोडोमेन। इस फिगर देखो, इस फिगर को याद रखो, सब चीज तुमको ध्यान में रहेगा। जी सर, ध्यान ए को हम क्या कहते हैं डोमेन, डोमेन बी को हम क्या कहते हैं कोडोमेन। इनका डेफिनेशन लिखो, यही सेम ही रहेगा, लेकिन हम क्या कर देंगे कर देंगे। यस सर, यहाँ पर डोमेन लिखे हैं तो क्या कर देंगे, आप देखो इसको हम सूचित कैसे करेंगे को डोमेन अति को डोम को डोम एप्स को डोम एप्स सूचित करेंगे, समझ गया ना। इसे हम सूचित कैसे करेंगे को डोम एप्स, को डोम एप्स। जी सर, इनको उतारिए और इसका हम हिंदी लिखा देते हैं। प्रांत किसे कहते हैं, सेट बी को सप्रांत कहते हैं। आप बोलो, यदि एफ ए से बी में खलन हो तो सेट बी को सप्रांत कहते हैं। आप बोलो हम सर, यदि एफ ए, यदि एफ ए ए से बी में एक फलन हो तो सेट बी को हम सप्रांत कहते हैं। आप बोलो, एफ ए से बी में फलन हो तो सेट बी को फलन कर सप्रांत कहते हैं। हाँ, फलन हो गया ना, को डोमेन कहते हैं। आप देखिए ये तो आपको हो गया डोमेन कोडोमेन, अब इसमें क्या होगा रेंज, रेंज रेंज मतलब क्या होता है रेंज मतलब पहुँचने होता है। जी सर, प्रतिबिंब बोलता है ना, इमेज तुम्हारा रेंज कहाँ तक है। जी सर, देखो तो एक्स का जो है पहुँच कहाँ तक है ए तक, यानी एक्स का पहुँच कहाँ तक है ए तक। देखो इसलिए एक्स का जो है परिसर क्या होगा ए, एक्स का परिसर क्या होगा ए होगा। आ देखो एक्स का ये जो है इमेज भी कहलाता है, समझ गया ना। एक्स का ये क्या कहलाता है, यानी रेंज और इमेज एक ही चीज होता है, रेंज और इमेज एक ही चीज होता है। देखो ये ऐसे हो गया ना, इनको हम क्या बोलते हैं रेंज, हम बोलेंगे रेंज। तो रेंज के लिए सेट लिखेगा तो उसमें क्या सब एलिमेंट आएगा ए बी सी। हम कहेंगे एक्स का रेंज क्या है ए, एक्स वाई, वाई का रेंज क्या है बी, जेड का रेंज क्या है सी, समझ गया ना। तो लिखो रेंज का डेफिनेशन, तीसरा होगा यस सर। रेंज हिंदी होता है इनका परिसर, परिसर इस एलिमेंट ये एबीसी ही क्या है रेंज है। एबीसी को हम क्या कहते हैं रेंज। लिखो सेट बी के वे सभी अवयव, सेट बी के वे सभी अवयव, वे सभी अवयव सेट बी, सेट बी के वे सभी अवयव जो इमेज जो प्रतिबिंब हो, हिंदी में लिखो जो प्रतिबिंब हो उसे परिसर कहते हैं, उसे परिसर कहते हैं। समझ गया ना, मतलब सेट बी के वे सभी अवयव, सेट बी के वे सभी अवयव जो क्या हो प्रतिबिंब हो, जो क्या हो प्रतिबिंब हो, तो किसका प्रतिबिंब होगा परिसर का, समझ गया ना। सेट ए का परिसर किसका होगा, प्रतिबिंब किसका होगा ए का, ए का प्रतिबिंब किसका होगा ए का ना। देखो सेट ए है ना जी, इसका प्रतिबिंब ए है, एक्स का प्रतिबिंब जो सेट ए का प्रतिबिंब हो। आप देखिए इनको जब परिभाषा के रूप में लिखना चाहे आप विभिन्न तरीके से लिख सकते हैं, इसको जो है विभिन्न तरीके से लिख सकते हैं। देखो सिंपल अर्थ में समझो, देखो ये सेट ए है, ये क्या है सेट ए है, और ये क्या है सेट बी है ना। तो देखो सेट बी के वे सभी अवयव, सेट बी के वे सभी अवयव जो प्रतिबिंब हो, जो प्रतिबिंब हो उसे हम क्या कहते हैं रेंज, रेंज कहते हैं परिसर कहते हैं, समझ गया ना। रेंज जिसका हिंदी क्या होता है परिसर,
और देखो इस प्रकार से भी तो परिभाषा इसका लिख सकता है कि सेट बी के वे सभी अवयव, सेट बी के वे सभी अवयव जो ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हो, प्रतिबिंब हो, जो ए के किसी न किसी एलिमेंट का प्रतिबिंब हो उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। देखो सेट बी के वे सभी अवयव, सेट बी के वे सभी अवयव जो ए के किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो, इमेज हो, इमेजेज, क्योंकि एक से अधिक न है तो इमेजेज, इमेजेज हो उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। समझ गया ना, इनको भूलेगा अभी, मतलब रेंज क्या कहलाएगा, सेट बी के वे सभी अवयव जो इमेज, जो इमेजेज हो। मान के चलो इसमें हम डी ले लेते हैं, इसमें हम क्या ले लेते हैं, डी, या डी जो है आपको रेंज होगा नहीं होगा, डी रेंज होगा या इमेज होगा नहीं होगा, समझ गया ना। तो सेट जो है बी के वे सभी ही अवयव होते हैं जो इमेज होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, क्लास 12th मैथमेटिक्स की बैच चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी पाठ को देख ले, आपका जो है कि क्लास 12th मैथ की संपूर्ण पढ़ाई हो जाएगी। आप लोग पार्ट एक से देखें, आपको सीरियली और शुरुआत से मैथमेटिक्स का सभी चैप्टर का जो है थ्योरी और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि हम चैप्टर एक से शुरुआत कर चुके हैं तो आपको सभी एक के बाद दो का मिलेगा, दो के बाद तीन का मिलेगा, यानी आपको संपूर्ण मैथ्स की थ्योरी और एक्सरसाइज का सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप लोग रोज देखते हैं तो आपका एक भी क्लास मिस नहीं होगा और आपको कहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में, वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, इनको हम क्या कहते हैं, एकेटिव फंक्शन, इसका हिंदी क्या हो गया। देखो वन वन, वन मतलब क्या होता है, एक एक, समझ गया ना, एक जोड़ एक क्या हो गया, एक एक की, एक एक की, एक एक की का, देखो एक एक का विशेषण क्या होता है, एक एक होता है जी, जैसे वन वन हुआ ना, यानी एक जोड़ एक मतलब एक एक, एक एक का विशेषण क्या होता है, एक एक ही होता है। तो देखो ये परिभाषा इस प्रकार से है कि ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, समझ गया ना, एफ जो है ए से बी में एक क्या है, फलन है। और देखो इज सेट टू बी वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, ये एक एक ही फलन किए जाते हैं, समझ गया ना, एक एक ही फलन किए जाते हैं। इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, देखो डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो गया, भिन्न भिन्न, समझ गया ना, एलिमेंट्स मतलब क्या हो गया, अवयव, सेट के अंदर में जो भी अवयव रहते हैं एलिमेंट मौजूद रहते हैं, ऑफ ए मतलब ए के भिन्न भिन्न अवयव, आई हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी में क्या हो, प्रतिबिंब, समझ गया ना। डेट इज इफ एंड ओनली इफ, देखो अर्थात यदि और केवल यदि, इफ ये तो ये हो चुका है, एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू, कह रहा है कि यदि एक्स वन और एक्स टू आपस में बराबर नहीं है, एक्स वन और एक्स टू आपस में बराबर नहीं हो, तब जो है आपको एफ एक्स वन और एफ एक्स टू का भी मान आपस में बराबर नहीं होगा। यदि एक्स वन और एक्स टू आपस में बराबर नहीं हो, समझ गया ना, तो आपको एफ एक्स वन और एफ एक्स टू का मान बराबर नहीं होगा। ये बराबर तब ही होगा जब x1 x2 क्या हो, एक ही चीज हो, दूसरा नहीं हो। तो देखो ऐसा आपको जो है ए के सभी एलिमेंट के लिए होता है, ऐसा नहीं कि मान के चलो कि हम x1 x2 लिए तो सिर्फ इसी के लिए होगा, यानी उस सेट के अंदर, ये तो दो मान लेके हम समझाए ना जी, मान उस सेट के अंदर में जितने भी एलिमेंट रहेंगे सबका लेके क्या करेगा, चेक करेगा ना, क्योंकि फलन का परिभाषा ही है कि ए के सभी अवयव का पौधुतीय प्रतिबिंब किसमें हो, बी में हो, है ना जी, तो सभी ना, तो इसलिए इसमें क्या लिख देते हैं, फोर ऑल। उसके बाद देखो और इक्विवेलेंटली एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, कह रहा है कि यदि
इसी के संगत देखो, अगर एफ एक्स वन किसके बराबर हो, एफ एक्स टू के बराबर हो, यानी एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर हो, यानी एफ एक्स वन का जो मान आएगा वही मान किसका आता है, एफ एक्स टू के मान आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स वन और एक्स टू क्या है, बराबर है, यानी दूसरा नहीं है, फलन में होता है जी। यानी एफ वन से क्या दो मान प्राप्त कर सकता है, कर सकता है नहीं, नहीं कर सकता है, करता है। कल बताए थे ना, कभी कर ही नहीं सकता है। देखो इसका अर्थ क्या हो गया, जैसे मान के चलो कि फलन इस प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स बराबर क्या हो गया एक्स, तो हम क्या ले लेते हैं, दो ले लेते हैं ना जी, हम क्या ले लिए दो बराबर दो, तो क्या होगा दो होगा ना, हम क्या ले लेते हैं फिर दो ले लेते हैं, तो क्या प्राप्त होगा आपको दो ये प्राप्त होगा कि तीन प्राप्त हो जाएगा, दो प्राप्त होगा कि तीन प्राप्त होगा, दो होगा ना। तो कहने का अर्थ हो गया कि ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर हम ले लेते हैं एफ एक्स वन और एक्स वन का मान हम क्या ले लिए हैं दो। देखो एफ एक्स वन, यहाँ पर एक्स वन का हम मान क्या ले लिए दो, तो एफ एक्स वन का मान क्या निकल के आया दो निकला ना। अगर हम यहाँ पर ले ले कि एक्स टू का मान दो है, एफ एक्स टू का मान दो, तो फाइनली एक्स टू का मान क्या होगा एफ एक्स वन के बराबर, एक्स वन एक्स टू दो होगा ना जी सर दो। यदि आपको देखो एफ एक्स बराबर क्या है एक्स है ना, तो एक्स वन बराबर हम क्या मान लिए है दो मान लिए, एक्स वन बराबर क्या मान लिए दो, तो हम एक्स वन ले लिए, तो एक्स वन का मान क्या माने हैं दो माने हैं ना। तो देखो एक्स वन की जगह क्या रख दोगे दो। अब देखो फलन कैसे परिभाषित है, तो एफ एक्स बराबर एक्स, फलन किस प्रकार से परिभाषित है एफ एक्स बराबर एक्स, यानी यहाँ पर अगर दो रहेगा तो यहाँ पर दो होगा, और यहाँ पर दो रखेगा तो यहाँ पर दो हो गया ना जी, नहीं होगा। मतलब x का मान देखो ये जो है ना x1, यहाँ पर x1 कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं जी। तो x1 का मान क्या मान चुके हैं दो, ये यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो गया दो हो गया ना। हम कहते हैं कि fx2 का भी मान दो है, fx2 का भी मान दो, इसका अर्थ ये हो गया कि जो x2 जो है इसका मान क्या होगा दो होगा ना जी। x2 का मान क्या होगा दूसरा मान नहीं है, तो बोलो इस प्रकार से आप क्या पाते हो कि x2 का भी मान क्या है दो ही नहीं जी। तो देखो x1 का मान दो, x2 का मान दो, तो बोलो x1 बराबर क्या होगा x2 क्या होगा x1 बराबर क्या होगा x2 दोनों बराबर है, समझ गया ना। अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो उसके फलन का मान जो है बराबर होगा ही नहीं। देखो बराबर नहीं होगा सर, बराबर कर देंगे। हाँ बराबर नहीं होगा तो मान के चलो कि वन वन फंक्शन नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो वन वन फंक्शन नहीं होगा। हे वो जो दिया सर उसमें तो बराबर नहीं है, नहीं तो ये देखो ये कह रहा है कि एलिमेंट जब बराबर नहीं है तो इसके फलन का भी मान ना बराबर है, कौन को उल्टा के पकड़ो कि उल्टा के पकड़ो, इसका अर्थ क्या हो गया जानते हो, यदि दो एलिमेंट हम ले रहे हैं किसी सेट का, दो एलिमेंट किस सेट का ले रहे हैं, जैसे मान के चलो कि वन और टू ले लिए, आपको सेट ए में क्या है वन और टू एलिमेंट है, और फलन इस प्रकार से परिभाषित है एफ एक्स बराबर क्या हो गया आपको एक्स, एफ एक्स वन बराबर क्या हो गया एक्स हो गया ना। तो बोलो एफ वन लेगा तो क्या प्राप्त होगा वन प्राप्त होगा, एफ टू लेगा तो क्या प्राप्त होगा टू प्राप्त हुआ ना जी। तो क्या देखते हो कि यदि x1 बराबर हम मान ले क्या वन, x2 बराबर हम मान ले टू, x1 बराबर हम क्या मान लेते हैं वन, x2 बराबर हम क्या मान लेते हैं दो, तो बोलो f1 का मान क्या प्राप्त हुआ है आपको वन, f2 का मान क्या प्राप्त हुआ दो है ना जी। तो f1 के बराबर जो है एफ दो है, एफ वन के बराबर दो है। अब देखो एफ वन को हम क्या लिखे हैं, देखो ये जो वन है इसको हम क्या माने हैं एक्स वन माने हैं जी, तो वन की जगह हम क्या रख सकते हैं एक्स वन, ये आपको कट्टो का साइन हो गया डज नॉट इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या रखोगे एक्स टू,
क्यों दो के जगह एक्स टू रखे, दो के जगह एक्स टू क्यों रखे, एक्स टू का मान यहाँ देखो दो का मान क्या है, है ना, माने है ना, तो इसलिए दो के जगह हम क्या रखेंगे, एक्स टू रखेंगे ना। तो देखो ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि एलिमेंट्स इसका बराबर है, एक्स वन जो है एक्स टू के बराबर नहीं है। तो कहने का अर्थ हो गया कि यदि दोनों एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है उसके फलन का मान भी बराबर नहीं होगा, समझ गया ना। ये रोटी के मुंह की तरह है ये जो बात है, यानी इसका अर्थ हो गया कि एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं है, एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं है, नहीं है। उसके फलन का भी मान बराबर नहीं होगा, समझ गया ना। दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि और इक्विवेलेंटली एफ एक्स वन और एफ एक्स टू आपस में बराबर है, उसके फलन का मान क्या है, बराबर है, बराबर है, एक ही चीज हुआ घुमा फिरा के दिया है, समझ गया ना। यानी एफ एक्स वन और एफ एक्स टू का मान क्या है, बराबर है। तो इसका अर्थ हो गया कि एक्स वन और एक्स टू आपस में क्या है, बराबर है, समझ गया ना। देखो बात है क्या, यदि एक्स वन एक्स टू बराबर नहीं है तो फलन का मान बराबर नहीं होगा, यदि फलन का मान बराबर है तो एक्स वन और एक्स टू क्या है, आपस में बराबर है ना। यदि यहीं पर एक्स वन और एक्स टू बराबर हो जाता तो क्या फलन का मान बराबर नहीं होता, ये बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि एलिमेंट का मान बराबर बराबर नहीं है, समझ गया ना। एलिमेंट का मान बराबर नहीं है तो इसलिए ना फलन का मान बराबर नहीं हुआ। जी सर, देखो ये वन और यहाँ पर क्या है, टू है, तो वन और टू बराबर नहीं है, एस वन एस टू का बराबर नहीं। एक चीज ये भी बोल सकते, मतलब ये पूरी तरह से तोड़ के तुमको समझा देते हैं कि आप कहीं भी जो है ना किसी प्रकार के एग्जाम्पल में अटको नहीं। तो देखो समझ चुका है इसके सिंबल मैथमेटिकल सिंबोलिक फॉर्म को, कौन से एंड ओनली इफ, ये तुमको इंग्लिश में हो रहा है पढ़ने के लिए, ये एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू, खुद हिंदी में पढ़ेगा ना, एक्स वन एक्स टू के बराबर नहीं है, इम्प्लाइज होता है एफ एक्स वन डज नॉट इक्वल टू, तुम इंग्लिश में नहीं जानता है ना तो तुम पढ़ेगा कि एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर नहीं है। फॉल मतलब क्या हो गया, सभी सभी के लिए, सभी उसको सभी के लिए बोला, हाँ सभी के लिए फॉर ऑल होता है सभी के लिए। तो देखो सभी के लिए एक्स वन एक्स टू अब बिलोंग्स टू ए, मतलब एक के जितने भी एलिमेंट होगा सभी एलिमेंट के लिए सबका सदस्य होगा, सबका सदस्य होगा, ये सेट है एक्स वन एक्स टू क्या है, सदस्य है, यानी अभी तो दुए को लिए है एक्स वन एक्स टू, अब तुम सेट ए में दुए को एलिमेंट होगा और एलिमेंट हो सकता है जी, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एम तक न जाएगा, जा सकता है। तो मतलब अगर हम दो को एलिमेंट है तो दोनों एलिमेंट, समझ गया ना, अगर तीन को एलिमेंट है तो तीन को एलिमेंट के लिए भी चेक करेगा, चार को है तो चार के लिए, फॉर ऑल मतलब क्या, यानी सेट ए में जितने एलिमेंट है सभी के लिए, यानी दो को एलिमेंट है तो दो के लिए, तीन को है तो तीन को के लिए, चार को है तो, इसलिए ना फॉर ऑल लगा देते हैं सभी के लिए, ऐसा नहीं कि दुए को एलिमेंट लिए तो दुए को जो उसके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है, सभी के लिए होता है, सेट ए में जितना एलिमेंट है सेट ए में जितने भी एलिमेंट रहेंगे। तो ये आपको वन वन फंक्शन का क्या था डेफिनेशन ना था जी, एक का एक, अब देखो इनका जो है एस डेफिनेशन लिख लिया था, यानी ए के भिन्न भिन्न अवयव का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी देखो वन वन एक एक, यानी एक का एक, एक एलिमेंट का क्या हो एक प्रतिबिंब, एक एलिमेंट का क्या हो एक प्रतिबिंब, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एक कहते हैं जी। अब चलो हम फिगर के माध्यम से इनको सही तरीके से हम समझते हैं, लाओ तो कपड़ा, परिभाषा को मिटा, देखो एग्जांपल में जैसे दो सेट ए और बी ले लिए, ए और बी क्या है, सेट है, ए और बी क्या है, दो सेट है, सेट एम देखो एक्स वाई और जेड एलिमेंट है,
सेट ए में कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, ये हो गया, ये बी से, ये सी हो गया। देखो एक्स ए से संबंधित हो, वाई बी से, देखो जेड किससे संबंधित है, सी से है ना जी। तो देखो एक एलिमेंट का क्या हो गया, एक प्रतिबिंब बना, एक प्रतिबिंब बन गया ना। तो एक का एक यानी एक एलिमेंट का एक इमेज क्या हो, बी में हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्या हो गया वन वन सर जी फंक्शन उतारो। देखो अगर मान का मान हाँ बी में जाता तब ये नहीं होता, जैसे एक एलिमेंट दो गो इमेज बना होता है। देखो अगर एक्स का दो गो प्रतिबिंब होगा तो सबसे पहले फलन ही नहीं होगा, फलन नहीं होगा। देखो ये लड़का फिर तू चौपट कर भी रे, फलन के इतने बढ़िया से डिफाइंड कर लिए, यानी एक के जो छे क्या लिखा है, एक के सभी एलिमेंट का अद्वितीय प्रतिबिंब, यानी ए में जो एक वो एलिमेंट रहते है ना, वो दो गो इमेज नहीं बनते, एगो में ए में एगो एलिमेंट रहते है ना, दो गो इमेज नहीं बना सकते, इसलिए वो अद्वितीय उसी को कहते हैं जी। यानी दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब हो सकता है, दो गो एलिमेंट का एगो प्रतिबिंब होगा, लेकिन एगो एलिमेंट का दो गो प्रतिबिंब नहीं होगा। यही ना वन वन फंक्शन है, यही ना आपको फंक्शन है जी। यानी दो गो एलिमेंट का जो है एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक इमेज का दो प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। देखो यानी आपको जैसे x a बनाया तो y भी a नहीं बना सकता है, तभी ना वन वन हम नहीं कहेंगे, नहीं बनाए तभी ना हम वन वन कहेंगे जी। अगर बना दिया तो वन वन हम नहीं कहेंगे, तभी फलन होगा ना। कौन हाँ अगर मान के चलो कि y का है ये भी है तो भी क्या होगा, ये फलन होगा, समझ गया। तब y कोनो b से नहीं जुड़ा होना चाहिए, यस सर, तब दूसरा एलिमेंट, समझ गया ना। तो इनको उतार लीजिए। अच्छा वन वन फंक्शन को समझने में दिक्कत भी है, ये एग्जांपल लेते हैं, बोलो तो ये वन वन होगा, जैसे टू माइनस टू ये फोर, ये फोर ले लेते हैं, ये सिक्सटीन ले लेते हैं, होगा ये वन वन फंक्शन होगा, नहीं होगा, हम बोल रहे ना होगा नहीं होगा, वन वन फलन हो सकता। देखो फलन होगा, वन वन होगा, वन 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 मतलब क्या, एक का एक प्रतिबिंब, साधारण रूप से भी देखी तो एक के एक है, एक के एक नहीं समझे थी, वन वन मतलब क्या हो गया, एक का एक है, दो का नहीं हो गया, दो का नहीं हो गया जी, एक का एक है, ये आपको वन वन फंक्शन होगा, होगा वन वन फंक्शन को किस नाम से हम पुकारते हैं बोलो, उसका और नाम क्या है, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, समझ गया ना। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, समझ चुका है। इनको छाप लीजिए, डेफिनेशन क्या होगा, यानी मैनी वन फंक्शन बहु एक ही नहीं हो सकता, हाँ जी बहु एक ही फलन का विशेषण हुआ, चलिए तो दूसरा डेफिनेशन क्या है, मैनी वन फंक्शन बहु एक फलन, इसका हिंदी क्या होता है, बहु एक फलन। अब देखिए बहु एक फलन होता है क्या, तो आप देखो इसको किस प्रकार से डिफाइन करोगे, ए फंक्शन, ए फंक्शन लिख लिए हम एफ सजेट ए टू बी, एफ सजेट ए टू बी यानी एफ ए से बी होता है फंक्शन है, फलन इज सेट टू बी, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी मैनी, इतने जाएंगे सर जी, मैनी वन फंक्शन सेट टू बी इफ एंड टू बी only if it is not one it is not one
प्रश्न छ उतारते चलते मेरे मेरे साथ जी सब उतारते जा रहे हैं मैनी वन फंक्शन इसको हम क्या कहते हैं बहु एक फलन इसका हिंदी क्या होता है बहु एक फलन देखो इनका डेफिनेशन जो है ये फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट वन समझ गया ना एफ ए से बी में एफ जो है ए से बी में फलन है बहु एक फलन किए जाते हैं बहु एक फलन किए जाते हैं यदि और केवल यदि यह एक एक ही फंक्शन यानी एक एक ही फलन नहीं हो मतलब वन वन फंक्शन नहीं हो समझ गया ना जो फंक्शन वन वन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं यानी वन फंक्शन सिंपल रूप से परिभाषा कैसे याद रखेगा वह फलन जो वन वन नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं मैनी वन कहते हैं समझ गया ना वह फलन जो वन वन नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं बोलो मैनी वन फंक्शन किसे कहते हैं समझ गया ना मैनी वन फंक्शन किसे कहते हैं वह फलन जो वन वन फंक्शन नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं मैनी वन फंक्शन कहते हैं क्या है टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी यानी एक के दो अवयवों का एक के दो अवयवों का बी में एक ही प्रतिबिंब हो उसे हम क्या कहते हैं मैनी वन फंक्शन कहते हैं या वो फंक्शन जो वन वन नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं मैनी वन फंक्शन कहते हैं जैसे दो सेट हम ले लिए एफ जो है इसमें ए से बी में क्या है एक फलन है और यहाँ पर हम माइनस दो लेते हैं यहाँ पर दो लेते हैं यहाँ पर तीन ले लिए ये चार यहाँ पर नौ दो माइनस दो चार से संबंधित दो चार से संबंधित तीन जो है नौ से संबंधित है दिख रहा है ना yes, तो बोलो दो एलिमेंट का एक इमेज हुआ कि नहीं हुआ ना दो एलिमेंट का एक इमेज हुआ कि नहीं हुआ इसे हम क्या कहेंगे मैनी वन फंक्शन इसे हम क्या कहेंगे अगर दो एलिमेंट का एक इमेज नहीं हो यानी एक का एक हो तो उसे हम क्या कहेंगे वन वन फंक्शन देखो ये वन वन फंक्शन है ये वन वन नहीं है तो ये कौन फंक्शन है यानी दो एलिमेंट का एक इमेज हो तो उसे हम क्या कहते हैं मैनी वन फंक्शन कहते हैं तीसरा क्या होता है वन टू वन टू और सर्जेक्टिव उतारते चलो तो मेरे साथ वन सर्जेक्टिव तीसरा है वन टू और एक फलन लिखने चला था सर एग्जाम्पल हम लोग भी नहीं होता जान गए अच्छा
का फंक्शन क्या होता है, वन टू और इनको हम क्या बोलते हैं दूसरा इनका नाम है सब्जेक्टिव फंक्शन, समझ गया ना। देखो वन टू इनका हिंदी क्या होता है आच्छादक, समझ गया ना। इसी का एक अन्य दूसरा नाम क्या है सब्जेक्टिव। वन टू हम फंक्शन को क्या कहते हैं सब्जेक्टिव। ये दोनों एक ही चीज है, दो नाम, समझ गया ना। एक ही फलन का क्या हो गया, दो नाम हो गया। देखो इनको हम क्या बोलते हैं आच्छादक फलन। देखो इनका डेफिनेशन इस प्रकार से होगा, ए फंक्शन एफ सच एट ए टू बी इज सेड टू बी वन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन, समझ गया ना। सब्जेक्टिव फंक्शन इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, समझ गया ना। इच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ डेट इज इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी वाई बिलोंग टू बी देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पर क्या है, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी एफ ए से बी में आच्छादक फलन किए जाते हैं, समझ गया ना। एफ ए से बी में आच्छादक फलन किए जाते हैं यदि और केवल यदि बी के प्रत्येक एलिमेंट, बी के प्रत्येक एलिमेंट, समझ गया ना, ए के किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो इमेज हो, इमेज हो, समझ गया ना। क्या हो इमेज हो, यानी बी में जो भी एलिमेंट रहेगा, जैसे कर लेते हैं जी ए और बी, तो बी में जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा, इमेज होगा, तभी हम क्या कहेंगे वन टू फंक्शन कहेंगे, समझ गया ना। कहने का अर्थ हो गया कि वाई बी का सदस्य हो, वाई बी का सदस्य हो और एक्स किसका सदस्य हो ए का, तो वाई बराबर क्या होगा एफ एक्स होगा। तो इसका हम एग्जांपल जो है कल विस्तार पूर्वक समझेंगे, समझ गया ना ये कैसे वन टू फंक्शन होगा, और शॉर्ट डेफिनेशन भी देंगे ताकि एक लाइन का देंगे ताकि आपको याद हो जाए, समझ गया ना। यही ना विस्तार तो हो गया कि एक्स ए का सदस्य हो, समझ गया ना, एक्स ए का क्या हो सदस्य हो, ताकि देखो तब अस्तित्व क्या हो वाई यहाँ पर बी का, वाई किसका सदस्य हो बी का, वाई किसका सदस्य हो बी का, तो वाई बराबर क्या होता है एफ एक्स, वाई बराबर क्या होता है एफ एक्स होता है। या सब्जेक्टिव फंक्शन आच्छादक फलन कहते हैं। देखिए इनका जो एक्स डेफिनेशन है वह है कि इफ रेंज ऑफ एफ, एफ का परिसर, एफ का परिसर को डोमेन, को डोमेन, तो एफ का जो परिसर है वो को डोमेन के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं वन टू फंक्शन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं वन टू फंक्शन कहते हैं। जैसे दो डायग्राम हम बनाते हैं, ऐसे बना लिए ना, ये एफ हो गया, ए से बी में क्या है फलन है ना, तो देखिए ये एक्स वाई जेड, ये ए बी सी हो गया ना। देखिए ए बी सी को हम क्या कहते हैं रेंज, ए बी सी को हम क्या कहते हैं ए बी सी को हम रेंज कहते हैं, और ये जो बी है इसको हम क्या कहते हैं कोडोमेन, बी को हम क्या कहते हैं कोडोमेन, ए को हम क्या कहते हैं डोमेन, डोमेन, ए को हम प्रांत कहते हैं हिंदी में, और बी को हम क्या कहते हैं सप्रांत। तो इसका जब आप रेंज लिखेंगे आर एन जी रेंज, रेंज एफ, तो बोलिए ये जो रेंज लिखेंगे तो रेंज में क्या सब एलिमेंट आएगा एबीसी, एबीसी आएगा ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ए बी सी, और कोडोमेन हम लिखेंगे तो इसमें क्या सब एलिमेंट आएगा कोडोमेन, बोलिए तो एबीसी, एबीसी ही ना है एबीसी, ए बी सी। तो देखिए एफ का जो रेंज है, एफ का जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं वन टू फंक्शन कहते हैं। यदि मान के चलो कि इसी में क्या हो जाता, जैसे अलग से हम एक डायग्राम और बना लेते हैं, ये एफ जो ए से बी में क्या है फलन है, तो इसमें एक दो तीन एलिमेंट है, इसमें चार पाँच छ
सात एलिमेंट हो गया ना, तो बोलो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम वन टू फंक्शन कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका रेंज क्या होगा, चार पांच छो, इसका रेंज क्या हो गया, चार पांच छो। अब देखिए कोडोमेन क्या हो गया, चार पांच छो सात। तो आप बोलिए क्या बराबर होंगे? अगर इनको लिखना चाहो रेंज एफ, रेंज एफ बराबर कोडोमेन होता है ना वन टू के लिए, रेंज एफ बराबर क्या होता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन हम किसको कहते हैं, बी को, कितने कहते हैं, तो कोडोमेन ऐसे लिखेंगे। अब देखिए रेंज में कौन सा एलिमेंट आएगा, जैसे एक का रेंज क्या हो गया चार, दो का पांच, तीन का छह, सात किसी का रेंज नहीं है, इसमें लिखेंगे चार पांच छह, लिख दिए, ये बराबर का चिन्ह है। कोडोमेन में क्या एलिमेंट आएगा बोलो, कोडोमेन में कौन सा एलिमेंट आएगा, चार पांच छह, चार पांच छह सात हो गया ना। अब देखिए ये क्या बराबर है आपस में, बराबर क्यों नहीं, देखिए चार पांच छह तो मिल गया लेकिन सात है इसमें, सात रहता तब न बराबर होता, तो रेंज जो एफ है वो कोडोमेन के बराबर हुआ नहीं हुआ, तो ये आपको वन टू फंक्शन नहीं होगा, समझ गया ना। तो देखिए वन टू के लिए इस प्रकार से भी समझेंगे, यदि बी में एक भी एलिमेंट नहीं बचे, समझ गया ना, बी में एक भी एलिमेंट नहीं बचे, यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, इमेज हो, बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, इमेज हो, इमेज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वन टू फंक्शन, अच्छादक फलन। क्या फैक्ट होता है, एन फंक्शन ग्रेटर इक्वल टू एन बी, किसका है, वन टू, वन टू, वन टू का, समझ गया ना। यदि एन ए ग्रेटर इक्वल टू क्या हो, एन बी, एन ए ग्रेटर इक्वल टू क्या हो, एन बी, तो उसको हम क्या कहते हैं, वन टू फंक्शन, और एकदम शॉर्ट में, समझ गया ना। यदि एफ ए से बी में फलन हो, एन ए ग्रेटर इक्वल टू एन बी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वन टू फंक्शन। ऑब्जेक्टिव में देखो पूछ सकता है इसी प्रकार से, चार ऑप्शन रहेंगे, कभी आपको इधर घुमा के दे देंगे, सी मरेगा ए और बी दोनों, डी मरेगा, इनमें से कोई नहीं, किसमें मारेगा, जिस ऑप्शन में ये रहेगा ये मान उसी में मारेगा, ठीक, इसलिए इनको क्या करेंगे पूरी। चौथा होता है फंक्शन इनटू फंक्शन, इनटू इनटू फंक्शन, हिंदी इनका होता है अंत छेपी फलन, अंत छेपी फलन, इनका परिभाषा लिखिए, ए फंक्शन एफ सच डेट ए टू बी, एफ सच डेट ए टू बी इज सेट टू बी, इज सेट टू बी इंटू इंटू फंक्शन इफ रेंज एफ डोमेन को डोमेन को डोमेन, या ये चीज नहीं लिखना चाहेंगे ना, तो इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये जो रेंज एफ होगा ये बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अब देखिए इसी कड़ी में जो है चौथा डेफिनेशन जो होता है वो होता है आपको इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इनका हिंदी क्या होता है, अंत छेपी फलन, अंत छेपी फलन। देखिए इनका डेफिनेशन इस प्रकार से है कि ये फंक्शन एफ सच डेट ए टू बी इज सेट टू बी इनटू फंक्शन इफ रेंज एफ सबसेट, समझ गया ना, इसको प्रॉपर सेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सेट, ये सबसेट ही, प्रॉपर सबसेट, तो ये आपको क्या हो गया, सबसेट ही हुआ, तो प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, कोड डोमेन, या रेंज एफ
अपर सबसेट क्या हो गया बी। देखो इनका एनडी क्या हो गया कि एफ ए से बी में, एफ ए से बी में अंतःक्षेपी फलन कहे जाते हैं, अंतःक्षेपी फलन कहे जाते हैं यदि एफ का परिसर, एफ का परिसर या परिसर एफ, परिसर एफ कोडोमेन आपको उपसमुच्च हो कोडोमेन का, उपसमुच्च हो कोडोमेन का। तो अब यहाँ पर उपसमुच्च आ गया ना, तो बोलो उपसमुच्च किसे कहते हैं सबसे, यदि एक प्रत्येक एलिमेंट बी में हो तो कौन उपसमुच्च होगा, ए होगा कि बी होगा। ये लड़का जो बोला कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में तो सबसेट ए होगा कि सब बी होगा, सबसेट बी मारेंगे एन होगा, ए का प्रत्येक एलिमेंट बोल रहे हैं, जैसे ए में जो है एक दो तीन हो गया ना, उसके बाद ये बी में क्या हो गया एक दो तीन चार हो गया ना। अब देखिए ए का जो है प्रत्येक एलिमेंट किस में है, बी में है ना, तो सबसेट कौन होगा ए होगा सबसेट। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, समझ गया ना, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में हो बी में। तो यहाँ पर देखो इक्वल टू जो रहता है तो इसका अर्थ हो जाता है कि एलिमेंट बराबर भी हो सकता है, एलिमेंट बराबर हो सकता है, लेकिन इसके लिए देखिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाएंगे, इक्वल टू यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इक्वल टू अगर लगा दिया तो बराबर हो गया, लेकिन ये कह रहा है क्या होना चाहिए प्रॉपर सबसेट, क्या होना चाहिए यानी आपको जो है कि हमेशा कोडोमेन में जो है रेंज से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए, कोडोमेन में रेंज से ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं समझ जाओगे, देखो जैसे हम दो सेट ले लेते हैं ए और बी, एफ ए से बी में क्या है फलन है ना, तो इसमें एलिमेंट देखो एक दो तीन ले लिए ना, इसमें चार पांच छह और सात ले लिए, एक किससे रिलेटेड है चार से, दो किससे रिलेटेड है पांच से, तीन किससे रिलेटेड है छह से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक एलिमेंट जो है आपको सात, वो एक किसी एलिमेंट का इमेज है नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा आपको इनटू फंक्शन होगा, कौन फंक्शन होगा इनटू, मतलब इसमें कम से कम, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बचना चाहिए जो वो एक के किसी एलिमेंट का इमेज ना हो। ये जो सात है ये हो गया, इसके किसी एलिमेंट का इमेज है नो सर, बाद में की चार किसका इमेज है एक का, पांच किसका इमेज है दो का, छह किसका इमेज है तीन का, लेकिन ये जो सात है किसी का इमेज नहीं है, ये किसी का इमेज नहीं है, तो इसीलिए ये कौन से फंक्शन होंगे इनटू। अब इनटू फंक्शन क्यों होंगे, देखो डेफिनेशन क्या है, रेंज एफ, एफ का रेंज वो बी का क्या होगा प्रॉपर सबसेट, क्या होगा प्रॉपर सबसेट। तो देखिए जैसे हम रेंज हम लिख लेते हैं, एफ का रेंज क्या होगा बोलो, तो एफ का रेंज क्या सब हम लिखेंगे चार पांच छ, क्या लिखेंगे चार पांच छ। उसके बाद देखो कोडोमेन है ना, कोडोमेन तो कोडोमेन में क्या सब एलिमेंट आएगा चार पांच सात, चार पांच छह सात। अब देखो ये रेंज का जो है प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन में है कि नहीं है, रेंज का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन में है ना, देखिए रेंज आपको अब क्या हो गया चार पांच छह, कोडोमेन क्या हो गया चार पांच छह सात, देखिए चार है ना पांच है ना छह है ना, तो रेंज का प्रत्येक एलिमेंट किसको एलिमेंट बोलते हैं, चार को हम क्या बोलते हैं एलिमेंट, हिंदी में अवयव कहते हैं, अवयव या सदस्य, सदस्य तो चार जो कहते हैं चार पांच छह तीनों क्या वही तीनों को ना कहते हैं बोला है चार एट ना चारों पांच छह को भी ना कहेंगे एलिमेंट, कौन चार पांच सर जी चार को आप बोले चार को एलिमेंट कहते हैं मिडिल कोस्ट में है ना, सबको तो कहेंगे ही ना, ये कोनो नई बात है ना, आप बोले क्या ये चार को एलिमेंट देखो चार पांच छह बोलेंगे तो क्या बोलेंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स
प्लूरल में लगेगा, में करेगा सिंगल एलिमेंट न होगा, सब एलिमेंट से नहीं जी। तो चार कौन क्या बोलेंगे, समझ गया ना, चार पांच भी एलिमेंट होगा, छह भी एलिमेंट होगा, इसमें जितने भी रहेंगे सभी को हम क्या कहते हैं, सभी को हम एलिमेंट्स कहते हैं, प्लूरल कर देगा, समझ गया ना। देखो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए जो रेंज है यह सबसेट किसके होगा, हो गया ना, तो डेफिनेशन तो वही ना जी, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। कभी बोलेगा अभी सर, अब बोलो, एक हम एग्जांपल और लेते हैं, तुम लोग बोलो ये इनटू फंक्शन होगा कि नहीं होगा। ये एफ हो गया, ये ए, ये बी, ये ए बी सी, एक्स वाई जेड, ए एक्स से रिलेटेड है, बी वाई से, सी जेड से। तो बोलो ये इनटू फंक्शन होगा, ये इनटू फंक्शन होगा, क्यों नहीं होगा, बी में जो है कम से कम एक और एलिमेंट होना चाहिए, समझ गया ना, जो ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं होना चाहिए था, लेकिन बी का सभी एलिमेंट क्या हो गया, बी का अगर सभी एलिमेंट इमेज हो गया तो इनटू फंक्शन, बी का अगर सभी एलिमेंट इमेज हो गया तो इनटू फंक्शन नहीं होगा, वन टू फंक्शन होगा, जी सर होगा, वन टू का परिभाषा है, बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, इमेज हो, ना, बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, इमेज, यानी ये कि किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो, इमेज हो, तो हम क्या कहते हैं, वन टू। देखो वन टू इनटू में कोई खास अंतर नहीं है, वन वन टी ओ टू होता है ना जी, इनटू आई एन, सिर्फ ओ की जगह क्या हो जाता है इनटू, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो समझ लो, यदि बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, बी का प्रत्येक एलिमेंट ये कि किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो, इमेज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वन टू फंक्शन, वन टू फंक्शन, हम क्या कहते हैं, वन टू फंक्शन। और यदि बी में एक एलिमेंट ऐसा हो, बी में एक एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो एक ये किसी एलिमेंट का इमेज नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन, जो अभी लिखा है, समझ गया ना, कम से कम मतलब एक से अधिक भी तो रह सकता है, कम से कम का मतलब क्या हो गया, एगो रहेगा ही, कम से कम मतलब एगो रहेगा ही, एक से अधिक, समझ गया ना। अगर हम कह देंगे कि कम से कम एगो आदमी इस रूम में रहेगा, कम से कम एक आदमी इस रूम में रहेंगे, तो समझ सकते हैं ना, एक से अधिक भी आ सकता है ना, हम कह देंगे कि अधिक से अधिक एगो रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो दू गो भी ले आएगा, नहीं ना, समझ गया ना। तो कम से कम एक कह रहा है तो एगो तो रहना ही चाहिए, उससे जितना अधिक हो जाए कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है आपको इनटू फंक्शन होगा, नहीं होगा, फंक्शन होगा, इसमें लिखोगे एफ इज नॉट इनटू इनटू फंक्शन। अच्छा, इसको देख के क्या एक चीज फैक्ट निकल के आया है बोलो तो, कौन चीज, कि जो फंक्शन वन टू होगा वो इनटू फंक्शन नहीं होगा, जो फंक्शन वन टू होगा वो इनटू नहीं होगा, और जो इनटू होगा वन टू नहीं होगा, बोलेगा अभी सर। अच्छा, ये फंक्शन देखो तो वन वन होगा क्या सर, ये फंक्शन जी सर वन वन हो सकता है, ये वन वन भी हो सकता है, वन टू भी हो सकता है, वन टू भी हो सकता है, लेकिन इनटू फंक्शन। अच्छा, ये फंक्शन कौन फंक्शन हो सकता है बोलो तो, इनटू फंक्शन, और वन वन होगा, वन फंक्शन नहीं होगा, वन वन क्यों नहीं होगा, ये वन वन ना सर जी, वन टू फंक्शन नहीं होगा, तो हम पूछ क्या रहे हैं, क्या पूछ रहे, ये जो आपको क्या है वन वन होगा, ये फंक्शन वन वन मतलब एक का एक, एक का एक, एक एलिमेंट का एक इमेज, यानी एक का एक, एक का एक, देखो एक का एक हो गया ना, उसी को ना वन वन कहते हैं जी, एक का एक को हम क्या कहते हैं वन वन, और दो का एक हो जाए तो हम क्या कहते हैं मैनी वन, मैनी वन, मैनी मैनी मतलब अनेक, मैनी मतलब अनेक, और वन मतलब एक, यानी अनेक का एक, अनेक का एक, तो उसे हम क्या कहते हैं बहु एक फलन, मेनी वन, एक का एक हो तो उसे हम क्या कहते हैं वन वन फंक्शन।
तो देखो एक का एक है ना, तो ये फंक्शन आपको इनटू फंक्शन भी हुआ और वन वन फंक्शन भी, वन वन फंक्शन भी हुआ। मेनी वन फंक्शन होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मेनी वन का मतलब हो गया जैसे एक का एलिमेंट चार है तो दो का भी एलिमेंट क्या होना चाहिए था? यानी जो फंक्शन जो है आपको वन वन है वो मेनी वन नहीं होगा, जो मेनी वन है वो वन वन नहीं होगा। इसको उतार लीजिए। और वन 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 टू फंक्शन बायजेक्टिव और वन 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 टू फंक्शन। देखो वन 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 टू, वन 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 टू, इसी का दूसरा नाम क्या है? बायजेक्टिव। या बायजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? वन वन और वन टू। इनका हिंदी होता है एक एक ही अच्छादक फलन। हिंदी क्या होता है? एक एक ही अच्छादक फलन। तो देखिए ए फंक्शन एफ सच डेट ए टू बी इज सेट टू बी बायजेक्टिव और वन 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 टू फंक्शन इफ एंड ओनली इफ इट इज बोथ वन वन एंड वन टू। ये क्या हो गया? डेट इज इफ एंड ओनली इफ, यदि केवल यदि। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, यानी ए के भिन्न भिन्न अवयव का इमेज है। भिन्न भिन्न क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना चाहिए। उसके बाद है कि ईच एलिमेंट ऑफ बी, इच एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो? इमेज हो। समझ गया ना? बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो? इमेज। तो उसे हम क्या कहते हैं? वन टू नहीं कहते हैं जी। तो ये आपको वन वन का परिभाषा हो गया, ये क्या हो गया? वन टू का। तो वह फलन जो आपको क्या हो? एक एक की और अच्छादक हो। वह फलन जो एक एक की और अच्छादक हो उसे हम क्या कहते हैं? बायजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बोलो बायजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? वह फंक्शन ना, वह फंक्शन जो वन वन और वन टू हो उसे हम क्या कहते हैं? बायजेक्टिव। आप बोलो बायजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? वह फंक्शन जो वन वन फंक्शन और वन टू फंक्शन हो उसे बायजेक्टिव। आप बोलो वह फलन जो वन वन और वन टू हो उसे ही बायजेक्टिव फलन कहते हैं। आप बोलो बायजेक्टिव किसे कहते हैं? वह फंक्शन जो वन वन और वन टू हो उसे बायजेक्टिव। आप बोलो वो फलन जो वन वन और वन टू हो। आप बोलो वो फलन जो वन वन और वन टू हो उसे हम क्या कहते हैं? मतलब हिंदी में क्या कहेगा? वो फलन जो एक एक ही और अच्छादक हो उसे हम क्या कहते हैं? बायजेक्टिव। बायजेक्टिव फलन समझ गया ना? बायजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। हिंदी में क्या बोलोगे? एक एक ही अच्छादक फलन कहते हैं। आप बोलो परिभाषा। वो फंक्शन जो वन वन और वन टू दोनों हो उसे। आप बोलो वो फंक्शन जो वन वन और वन टू दोनों हो उसे बायजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। समझ गया ना? जो फंक्शन आपको वन वन होगा और क्या होगा? वन टू होगा, उसे हम क्या कहते हैं? देखो ये आपको वन वन का डेफिनेशन हो गया, ये आपको वन टू का हो गया। समझ गया ना? ये के भिन्न भिन्न अवयव का बी में क्या हो? भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन। एक एक ही फलन कहते हैं। ये के भिन्न भिन्न अवयव का बी में क्या हो? भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक एक ही फलन। उसके बाद अच्छादक फलन किसे कहते हैं? ईच एलिमेंट ऑफ बी, यानी बी के जो प्रत्येक एलिमेंट है ये के किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो? इमेज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वन टू फंक्शन कहते हैं। समझ गया ना? इसका अर्थ ये हो गया कि बी में एक को एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए? इमेज। एग्जांपल के रूप में देखो अगर दो सेट रहेगा, ये आपका क्या हो गया? ए, ये क्या हो गया? बी। एस बी में क्या है? फलन है ना? ये एक्स वाई ये जेड हो गया, ये क्या हो गया? ए बी सी। देखिए ए एक्स ए से रिलेटेड है और वाई बी से, जेड किससे रिलेटेड है? सी से, है ना जी? तो ये फंक्शन आपको क्या है?
इसे हम क्या कह सकते हैं वन 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 और वन टू भी ना कह सकते हैं क्योंकि बी में देखिए एक को एलिमेंट है ऐसा बचा हुआ जो इमेज नहीं है सब एलिमेंट है ना तो इसे हम क्या कहते हैं वन टू फंक्शन यानी ये फंक्शन जो आपको वन वन भी है और वन टू भी है तो इसे ही हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन समझ गया ना वह फंक्शन जो वन वन हो और वन टू हो उसे हम क्या कहते हैं या वन 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 टू डायरेक्टली एक बार नाम ले लो वन 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 टू समझ गया इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकता है तभी जो हम बताए थे ये फंक्शन एफ सजेटेड टू बी इज सेट टू बी बाइजेक्टिव या वन 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 टू फंक्शन समझ गया ना तो एफ इज बोथ वन वन एंड वन टू एप क्या हो वन वन भी हो और वन टू भी हो इसको हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव उसे ही हम क्या कहते हैं यानी ये क्या की अच्छा तक फलन कहते हैं तो आप तुम लोग मिस भी करेगा इसके डेफिनेशन को मिस नहीं करेगा मतलब वही फलन क्या कहलाएगा बाइजेक्टिव जो वन वन और वन टू होगा यानी वन 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 टू जो फंक्शन हो उसे हम क्या कहते हैं बाइजेक्टिव